ब्रेक के बाद नमूदार हुए हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर मौके पे नमूदार हो जाते हैं। अब तो हमें इनसे डर लगना शुरू हो गया है, लेकिन हल्का हल्का, क्योंकि इनकी भी मुस्कुराहट हमारी हसीन भाभी की तरह इतनी प्यारी है। बल्कि मैं इशारे करके भी ज़ैनब को कह रही थी, भाभी को चेक करो, खूबसूरत चेहरा है उनका, हम देख रहे थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया, हम दोनों ने तो कुछ अजीब सा माजरा हुआ इन बिटवीन ऑल्सो। नो, वेरी फ्यू पीपल आर नेचुरली ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। ये मेकअप का कमाल है, और आपके मैन, मैं आपके साथ बैठी तस्वीरें खींच रही थी, मैंने देख ली, मैं बड़े गौर से चेक करते जब इनको पिक करवाना हो। मैं ऑडियंस के साथ जाके बैठता हूँ, आप लोग बातें करता हूं। आप जाए ना, आप घर जाए, ठीक है? नहीं, आपको क्या लगा था आप ये कहेंगे तो मैं कहूँ मैंने जिससे बात करनी है वो तो आ गया, आप तो बहाना थे। देखिए, मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि जब बेगमात आती है ना तो शौहरों को खामोशी। बेगमात नहीं, नहीं सबकी, सबकी बेगमात, कोई बात बतानी है तो मैं बता दे, ताकि हम ऑन एयर ही फिर प्रॉपर रेटिंग वाला काम। नहीं नहीं, एक ही अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह रहेगी भी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, हम है ना एंडोर्स करने के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मुस्कुरा रही आराम से बैठ के। बट खैर, ऑन अ सीरियस नोट, ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और पता नहीं क्यों आज मेथी दाने की बात करना चाह रही हैं। मेथी दाने का नाम होता है फेनुग्रीक सीड्स, वही जो आपने कहा, जिसका नाम नहीं हमसे लिया जा रहा, उसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये एक इतनी जबरदस्त चीज है ना, अगर मैं बालों से शुरू करना चाहूंगी, आपको पता है तो हर चीज बालों है, न्यूट्रिशनिस्ट बताओ बालों के टोटके, हर बार बालों का और स्किन का टोटका बताती है। क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, जब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, क्लाइंट आता है, तो वो आकर यही बात कहता है, मैं वेट लॉस तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे बाल और मेरी स्किन खराब नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड आगा, असल बाल है हाँ जी सारे, यस, बीच में कोई ये मेथी दाना लगाते हैं, बहुत कम हुए, लाइक एटलीस्ट 20%, जब से हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं ना तो बाल गिर रहे हैं। इस्लामाबाद का उनको मौसम ही शिफ्ट है, पसंद मतलब माशाल्लाह इतने ताकतवर बाल हैं कि मैं बकरे उठा लेता हूं ऐसे बालों से। अब ये हम करें अगली बार जब जब ई ट्रांसमिशन आएगी तो फिर अगली ई ट्रांसमिशन पे दिखाऊंगा मैं आपको, करता हूं। ये मीठी ईद है, वरना मसला पड़ जाना था, बकरे रेंज करने पड़ जाते। नहीं बट ये अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का शुक्र, कितना को साड़ा चढ़ता है आपके को आर्टिस्ट को इस बात पे, बहुत कितना को चढ़ते हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी लेकिन आप समझ गए होंगे। जो जो विग वाले हीरो है ना वो बड़े जलते हैं। भाई आपके बाल नहीं पुटे गए दूसरों के। अच्छा नहीं, मैं शायद मे बी आप इस चीज को सेकंड करेंगे, ये आपके जीन्स में भी होता है, ठीक है? आपके इस किस्म के माशाल्लाह माशाल्लाह, सॉरी एक चीज की आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी, हम चारों में सबसे अच्छे बाला, exactly. हम तीन के मिला के उनके एक बनेंगे, और अभी कम हुए। अच्छा, मेरे फादर के जो बाल है ना, अगर आप देखेंगे ना, आप यकीन नहीं करेंगे, माशाल्लाह 70 प्लस माशाल्लाह, और इतने घने बाल, इतने घने बाल, और उनकी जो एज के लोग बाल देख के शादी की थी। हाँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ शुक्र है मेरा मियाँ गंजा नहीं है, सीरियसली। सो स्वीट, क्योंकि बालों की बात हुई तो मेरी भी नजर वहाँ गई और ज़ैनब की भी गई, मैंने कहा मैं सोच नहीं सकती अदरवाइज, यू नो। नहीं वैसे वो हो जाता है प्रॉब्लमेटिक ना बंदे की शादी, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जब बाल गिर जाते हैं तो अब वो एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, लेकिन फिर वो शक्ल बहुत बदल जाती है। क्या, एक तो डाइट मेरी बड़ी खतरनाक है, ठीक है ना, मैं इस चीज को बड़ा खजूर, शहद, लौंग, इलायची, आपका देसी घी, कब से काफी अरसे से मेरा जो नाश्ते में शहद, ऑलिव ऑयल, लौंग, इलायची, देसी दूध, घी, कलौंजी, देसी दूध, यस, एज इन पहाड़ी बकरे का जो दूध होता है, मैं बकरी और बकरे गाय की दूध की बात, जो पहाड़ी बकरे का दूध होता है वो मैं यूज, बकरा कौन सा दूध देता है, बकरी, पहाड़ी बकरी जो इन्होंने लूज बॉल कराई है, और आप तो क्रिकेटर है, आपको पता होना चाहिए जो दुम्बी का जो दूध होता है वो मैं यूज करता हूँ बहुत। अब ये कहाँ से सोर्स किया जाता है, इन्होंने ढूंढ लिया एक बंदा जो ये देखो है। मैं एक चीज बताऊँ, इंसान को जिस चीज की जस्तुजू होती है ना, उसको एक दिन वो मिल जाती है, और ये इतना ताकत, ये हर जगह दूध नहीं मिलता, ये एक बंदा मुझे मिला, मेरा फैन,
ठीक है, फेसबुक से उसने मुझे ढूंढा, उसका अपना फार्म है इन इस्लामाबाद, तो वो तकरीबन 30 या 40 किलोमीटर है मेरे घर से उसका। वो खास तौर पे हर हफ्ते मुझे देने आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लेता मुझसे, पता नहीं, कहता आगा भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, ये दूध बड़ा महंगा मिलता है, ये हर जगह आम दस्तियाब नहीं है, ये मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मैं फ्रीज कर देती हूँ वीक का, क्योंकि वो आता एक ही दफ़ा आ सकता है। इनकी स्किन भी इसीलिए इतनी अच्छी है क्योंकि बकरी का दूध जो है दैट इज फैट फ्री। जब आपकी बॉडी में हाँ दैट इज द सेम वही ना बकरा और वो, हाँ मतलब एक ही वो मतलब फैमिली के हैं, नॉन एक। यस यस, सो इट हैज अमेजिंग प्रॉपर्टीज, आई अंडरस्टैंड दैट इट हैज अमेजिंग प्रॉपर्टीज, की बहुत हर चीज जिंदगी में औखी करनी क्यों जरूरी है।